हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब भंडार पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत भर्ती निकली है। यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी या मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत निकली है, जिसको CRPF भी कहा जाता है। पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट सिविल और इंजीनियर, और इस पोस्ट के लिए 30/6/2021 से आप आवेदन शुरू कर सकते हो, और आवेदन करने के लिए लास्ट डेट है 29/7/2021। बात की जाए अगर सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर होने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको PST, और फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, रिटन एग्जाम, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम और इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है और अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यहाँ पर टोटल 25 वैकेंसीज है, जिनमें से UR के लिए 13, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6, SC के लिए 3, ST के लिए 1 वैकेंसी है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए कम से कम एजुकेशन में बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत होना जरूरी है। मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है लेवल 10 के हिसाब से 56,100 से 1,77,500 रुपये पर मंथ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड डिटेल आपको प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले ये डिटेल यहाँ से चेकआउट जरूर कर ले। यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है, बहुत मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेल फीमेल बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट और आपको अपर एज में कितनी छूट प्रोवाइड कराई जाएगी, वो डिटेल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है, वो डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है, जैसा कि आपकी हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट यहाँ पर 81 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी चेस्ट नहीं रखी गई है। वेट यहाँ पर आपका 50 किलोग्राम मेल के लिए रखा गया है। दोस्तों, इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट डिटेल प्रोवाइड करा रखी है। एग्जाम सेंटर की अगर बात की जाए, एग्जाम सेंटर आपका रहने वाला है नोएडा, सोनीपत, अजमेर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, पुणे, आवादी, बेंगलुरु। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अनरिजीव्ड EWS और OBC कैटेगरी कैंडिडेट को ₹400 एप्लीकेशन फ़ी के रूम में जमा कराने होंगे, जबकि SC ST और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। ये कैंडिडेट बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जमा हो सकती है इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के द्वारा आप एप्लीकेशन फ़ी जमा करा सकते हो। बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जो कि इसी नोटिफिकेशन में आपको प्रोवाइड करा रखा है। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद आपको उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफिशियल एड्रेस पर। ऑफिशियल एड्रेस है DIG ग्रुप सेंटर, CRPF, रामपुर डिस्ट्रिक्ट, रामपुर, UP 244901। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने के लिए लास्ट डेट है 30/6/2021, स्टार्टिंग डेट 30/6/2021 और लास्ट डेट है 29/7/2021।
दोस्तों ये थी भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।